Good morning students. In 12th biology, we have started the chapter that is the molecular basis of inheritance. Okay? So in molecular basis of inheritance, the material which is responsible for the inheritance, the molecule which is responsible for the heredity is in DNA. Understood? So we have studied about the DNA, what is the structure of an DNA, who was gave the structure of an DNA. Now the DNA is responsible for the transcription and translation process. Understood? So whatever the RNA and whatever the protein which is synthesized by means of a transcription and translation process is from the DNA. And DNA is also having ability to replicate themselves. अपने आप को क्या कर सकता है, वो replicate भी कर सकता है. So it is a specific feature of a DNA and that's why it is known as a genetic material. Understood? Okay. So we have studied about the replication process, the another process that is in transcription. Understood? So transcription ki jo process hai, this is in continuing. We know that the central dogma of molecular biology which was given by the Francis Crick, jinhone ye central dogma of molecular biology diya tha, which will conclude mainly three process: replication, transcription and translation. Replication, formation of DNA from the DNA. Then a transcription, formation of an RNA from the DNA. Translation, that is formation of a protein from the RNA. So this combined phenomenon is known as the central dogma of molecular biology, which was given by the Crick. So among that, the replication jo first process the central dogma thi, वो कंप्लीट कर दी. नाउ सेकंड प्रोसेस जो है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. अंडरस्टूड? ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस दैट इज इन फॉर्मेशन ऑफ एन आरएनए फ्रॉम द डीएनए. डीएनए में से कैसे आरएनए फॉर्म होगा, अंडरस्टूड? वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से हो सकती है. पहले ऑब्वियसली हमने पढ़ लिया दैट इज एन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स. अंडरस्टूड? मेनली दो तरह के ऑर्गेनिज्म है वो देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेल टाइप. एक तो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे और दूसरे होंगे यूकैरियोटिक सेल होंगे. प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए है, ऑब्वियसली उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है. यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग होती है. और इसीलिए उसके अंदर जो भी प्रोसेस होंगी, अंडरस्टूड, वेदर इट इज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, की जो प्रोसेस होगी वो थोड़ी थोड़ी क्या होगी, डिफरेंट होगी. थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी, हाँ एग्जैक्टली पूरी तरह से डिफरेंट नहीं होगी. ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है दैट इज इन फॉर्मेशन ऑफ एन आरएनए, ऑब्वियसली प्रोसेस तो सेम ही हो रही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा. सो पहली प्रोसेस जो कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. अंडरस्टूड? सो इन केस ऑफ एन प्रोकैरियोट व्हाट वी स्टडी दैट द वन एंजाइम ओनली दैट इज एन आरएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एन आरएनए प्रोसेस. सो दिस आरएनए पॉलीमरेज consist of a sigma factor, it is also having a rho factor and it is also having a core enzyme. Sigma factor which is responsible for the initiation process of an RNA synthesis, transcription process. Then core enzyme is responsible for the continuity of a synthesis of an RNA which is known as an elongation process. And last one that is a rho factor, it is responsible for the termination process. Hamari RNA ki jo process hai, आरएनए सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करवा देता है, टर्मिनेट करवा देता है रो फैक्टर. ओके? तो ये जो हमने पहले पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल का. नाउ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. सो हियर ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. ओके? सो कल मैंने बोला था कि जब ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होती है तो उसके स्पेसिफिक फीचर होते हैं. द फर्स्ट फीचर इज द इन केस ऑफ एन प्रोकैरियोट्स द ट्रांसक्रिप्शन इज कैरीड आउट इन साइटोप्लाज्म बिकॉज देयर इज नो डिफरेंट कंपार्टमेंट. न्यूक्लियस जैसा कोई अलग कंपार्टमेंट नहीं होता है कि जिसमें हमारा क्रोमोजोम या तो डीएनए सिचुएटेड हो, ऐसा कोई कंपार्टमेंट प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है. और जो भी डीएनए है वो कहाँ पर होगा, इन कॉन्टेक्ट विद द साइटोप्लाज्म. Obviously, यहाँ पर in case of a prokaryotic cell, whatever the synthesis of RNA is carried out, it is in case of a cytoplasm. Understood? अलग अलग compartment नहीं होता.
दूसरा था कि जो भी आरएनए सिंथेसिस होगा, अंडरस्टूड, जो प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए सिंथेसाइज होगा, इट इज फुल्ली एक्टिव आरएनए, सीधा ही क्या होगा, एक्टिव होगा, उसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट इज फुल्ली एक्टिव, तो जाकर के सीधा वो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर सकता है। और इसीलिए यहाँ पर इन केस ऑफ एन प्रोकैरियोट समटाइम्स द ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज कपल्ड। कपल्ड का मतलब होता है कि जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता जाता है उसके पीछे पीछे ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है, अंडरस्टूड। तो ये सिर्फ किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ही होता है। ओके ओके, सो इन केस ऑफ एन यूकेरियोट्स द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज कैरीड आउट इन न्यूक्लियस। यहाँ पर लोकेशन कौन सा होगा जहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, दैट इज इन न्यूक्लियस, क्योंकि हमें पता है कि यूकेरियोटिक सेल में, यूकेरियोटिक जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर डीएनए सिचुएटेड होता है, अंडरस्टूड। तो हमारा आरएनए डीएनए में से बन रहा है तो ऑब्वियसली वो कहां पर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स इज कैरीड आउट इन न्यूक्लियस। सो दिस वन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर ऑफ एन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर ऑब्वियसली अलग अलग कंपार्टमेंट है साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस का, अंडरस्टूड। सो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस न्यूक्लियस में होगी। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस व्हाटएवर द आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इज ट्रांसफर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस, अंडरस्टूड। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है वो कपल्ड प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, और ट्रांसलेशन है वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। तो ऑब्वियसली वो दोनों प्रोसेस है वो साथ साथ नहीं चल सकती है। ओके, सो हियर इन केस ऑफ एन यूकेरियोट्स द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज नॉट अ कपल्ड वन। ओके, साथ साथ नहीं चल सकती है। पहले क्या होगा, पूरा आरएनए सिंथेसाइज हो जाएगा और आरएनए सिंथेसिस होने के बाद द आरएनए विल ट्रांसफर इनटू द साइटोप्लाज्म और उसके बाद वहां पर क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा विच इज नोन एज इन ट्रांसलेशन प्रोसेस, अंडरस्टूड। दूसरा नेक्स्ट फीचर ऑफ एन स्पेसिफिक यूकेरियोट्स दैट व्हाटएवर द आरएनए विच इज फॉर्मड इन केस ऑफ एन यूकेरियोट्स इज एन एचएनआरएनए। कौन सा आरएनए फॉर्म होगा, एच एन आरएनए फॉर्म होगा, अंडरस्टूड। एच एन आरएनए फॉर्म होता है जिसका मतलब होता है कि हिटरोजीनस आरएनए, अंडरस्टूड, इट इज नोन एज एन हिटरोजीनस आरएनए। यहां पर क्या होता है कि ये वाला जो आरएनए है विच इज हैविंग, सपोज ये आरएनए है, हमें पता है यूकेरियोटिक सेल में कौन सा होता है, मोनोसिस्ट्रोनिक या पॉलीसिस्ट्रोनिक, कौन से जीन होते हैं, दैट इज मोनोसिस्ट्रोनिक। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से होंगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन होंगे। तो यहाँ पर जो आरएनए सिंथेसाइज हुआ है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड, एक ही प्रोटीन बनाएगा। ओके, और जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो आरएनए सिंथेसाइज हुआ था ऑब्वियसली वो कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक होगा, यानी कि एक आरएनए जो है उसमें से एक से ज्यादा प्रोटीन है वो सिंथेसाइज हुए थे इन केस ऑफ एन प्रोकैरियोट्स। यहां पर इन केस ऑफ एन यूकेरियोट्स व्हाटएवर द आरएनए इज सिंथेसाइज आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस व्हाटएवर द आरएनए इज सिंथेसाइज दिस आरएनए इज वी कैन से हैविंग इन टू रीजन। यहां पर देखिए दो रीजन होंगे, ओके, एक होंगे इस तरह से, दो दो रीजन होंगे, हम यहां पर आई एंड ई से उसको I यानी कि introns and E यानी कि exons, okay? E यानी कि exons, I यानी कि introns, okay? हमें पता है कि यूकेरियोटिक जो जीन होते हैं, यूकेरियोटिक डीएनए होता है, which is very complex one, उसकी complexity बहुत ही ज्यादा है। वो complexity इसलिए ज्यादा है as compared to an prokaryotic one, because in case of an eukaryotes, here you can see that
The non-coding region is also present here. These introns are known as a non-coding region. It is not code for any type of an amino acid. Understood? Introns kya hai? It is a non-coding region. It is not coded for any type of an amino acid. तो प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पर इंट्रॉन्स की जरूरत नहीं पड़ती है. अंडरस्टूड? तो जो भी हमें आरएनए मिला है, अंडरस्टूड, उसमें तो दोनों है, एक्सोन भी होंगे एज वेल एज इंट्रॉन्स भी होंगे. हमें सिर्फ किसकी जरूरत है? एक्सोन्स की ही जरूरत है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एन पॉलीपेप्टाइड, बिकॉज ओनली एंड ओनली एक्सोन इज कोडेड फॉर एन अमाइनो एसिड. एक्सोन इज कोडेड फॉर अमाइनो एसिड. And introns is not coded. Introns is not coded for any kind of an amino acids. Okay? तो यहाँ पर हमें obviously कौन से codes की जरूरत पड़ती है जो कि amino acids है वो उसको codes करते हैं, यानी कि exon. अच्छा, protein बनाने के लिए exon की जरूरत है, introns की जरूरत नहीं है. तो जनरली हम बोल सकते हैं कि इंट्रॉन सारे इंटरप्टेड सीक्वेंस, इंटरप्ट करता है हमारी जो आरएनए चेन है उसको, जब ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है उसमें. अंडरस्टूड? तो जब ये वाला आरएनए बनता है विच इज हैविंग बोथ एक्सोन इंट्रॉन अल्टरनेट, तो दिस काइंड ऑफ एन आरएनए इज नोन एज एन एचएनआरएनए. इसको क्या बोलेंगे? एचएनआरएनए बोलेंगे अभी. और ये वाला जो एच एन आर एन ए है विच इज एन इनएक्टिव इन नेचर, कैसा होता है? इनएक्टिव होता है. इनएक्टिव यानी कि इसमें से एम आर एन ए है वो नहीं बनता. ओके, अंडरस्टूड? अभी क्या है, इसमें से एम आर एन ए है वो अभी नहीं बना है, सिर्फ क्या है, एच एन आर एन ए है, यानी कि इनएक्टिव है. एक्टिव कब होगा? जब ये एच एन आर एन ए है वो एक्टिव होता है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एम आर एन ए. लेकिन उसको एक्टिव करने के लिए हमें यहाँ पर कितनी सारी प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट प्रोसेसिंग इज नोन एज एन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग. अंडरस्टूड? इट इज नोन एज एन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग. क्यों यहाँ पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग बोला है? पोस्ट का मतलब होता है कि बाद में. ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग यानी कि इतनी सारी प्रोसेसिंग होती है ये जो आरएनए हम बना रहे, आफ्टर एन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टू गेट एक्टिवेशन ऑफ दैट एमआरएनए, ये आरएनए को एक्टिवेट करने के लिए. अंडरस्टूड? सो जब हमने आरएनए पॉलीमरेज के टाइप पढ़े थे, तब मैंने बोला था कि यूकेरियोट्स में तीन तरह के आरएनए होते हैं, दैट इज एन आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3. आरएनए पॉलीमरेज 2 इज स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड सिंथेसिस ऑफ एचएनआरएनए एज वेल एज एमआरएनए. यानी कि हमारा जो प्रोटीन यानी कि पॉलीपेप्टाइड जो सिंथेसाइज होता है उसके कोड्स है वो कौन लेकर आता है, उसका मैसेज है वो कौन लेकर आता है, दैट इज एन एमआरएनए. इसलिए उसको बोला है मैसेंजर आरएनए. अंडरस्टूड? तो डीएनए में से जो आरएनए बनता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एन पॉलीपेप्टाइड, फॉर द सिंथेसिस ऑफ एन प्रोटीन, वो कौन सा आरएनए होगा? एमआरएनए. इसलिए उसका नाम एमआरएनए पड़ा. एम का मतलब मैसेंजर आरएनए, जो कि मैसेज लेकर आता है फ्रॉम द डीएनए कि कौन सा प्रोटीन है, थ्रू बाय मीन्स ऑफ एन ट्रांसलेशन प्रोसेस हमें सिंथेसाइज करवाना है. ओके, तो यहाँ पर जो आरएनए बना है उसमें दोनों है, एक्सोन है इंट्रॉन है, दोनों है. यानी कि ये आरएनए कौन सा है अभी? एचएनआरएनए, हेटरोन्यूक्लियर आरएनए, हेटरोजीनस नहीं, हेटरोन्यूक्लियर आरएनए है विच इज इनएक्टिव इन नेचर एज वेल एज इट इज हैविंग बोथ एक्सोन एज वेल एज इंट्रॉन अल्टरनेटिव. ओके, अब हमें क्या करना है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस करवानी है. यहाँ अगर ये जो आरएनए बना है उसमें से हमें पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज करवाना है, तो ये आरएनए को पहले क्या करना पड़ेगा? एक्टिव करना पड़ेगा. और एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा.
यानी कि ये आरएनए को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट स्टेप फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस आरएनए इज नोन एज कैफीन. सो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इज इन कैफीन. कैपिंग, कैपिंग में जनरली क्या होता है, कैपिंग नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर आरएनए जो है हमारा, यहाँ पर कुछ ना कुछ हम उसको क्या टोपी पहना देंगे, यानी कि कैप लगा देंगे, उसके जो माथा है उसका सिर है उसका जो हेड है वहां पर क्या पहना देंगे हम, कैप है वो पहना देंगे. अंडरस्टूड? तो यहाँ पर पहली जो प्रोसेस होती है दैट इज एन कैपिंग प्रोसेस. जो भी आरएनए बना है वहां पर हम क्या करेंगे, मिथाइलेटेड गुआनोसिन. अंडरस्टूड? यहाँ पर क्या करेंगे हम, मिथाइलेटेड गुआनोसिन है वो लगा देंगे. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपिंग प्रोसेस. सो यहाँ पर ये देखिए, मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये वाले जो रीजन है जो एमआरएनए सिंथेसाइज होता है दैट इज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम. क्योंकि हमारी डीएनए की टेम्पलेट कौन सी थी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम थी, तो उसके अपोजिट वाली जो होगी एमआरएनए फॉर्म होगा विच इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अंडरस्टूड? एंटी पैरेलल होगा. ओके, सो व्हाटएवर द आरएनए फॉर्म इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड एट द एंड ऑफ एन 5 प्राइम, एट द एंड ऑफ एन 5 प्राइम द मिथाइलेटेड गुआनोसिन इज एडेड. ये सारी प्रोसेस हमारे ही सेल में न्यूक्लियस में ही होती है. हां, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहां पर होगी, न्यूक्लियस में. After activation, after completion of a post-transcriptional modification, the mRNA becomes an active, and this active mRNA transfer into the cytoplasm for the further process that is in translation process. Okay, so first process जो होती है, that is in capping. यहाँ पर 5 prime position पर methylated guanosine है, वो लगा देंगे हमारे cell. इससे क्या होता है कि हमारा जो RNA होता है, उसको वो कोई damage नहीं होने देता है. क्योंकि नया नया आरएनए बना है तो कितने सारे एंजाइम्स हैं, न्यूक्लियस एंजाइम, एक्सो न्यूक्लियस, एंडो न्यूक्लियस, कितने सारे एंजाइम हैं जो कि ये आरएनए को डिग्रेड कर सकते हैं. अंडरस्टूड? तो अगर हम ऑब्वियसली हम अगर कोई यहाँ पर हेड पर कैप पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिला, हेलमेट भी पहनते हैं प्रोटेक्शन मिलता है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होता है कि फाइव प्राइम एंड पर ये जो मिथाइलेटेड गुआनोसिन लगा देंगे, जिसकी मदद से हमारा आरएनए है विच इज प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ए न्यूक्लियस एंजाइम. तो न्यूक्लियस एंजाइम है वो हमारे आरएनए को 5 प्राइम एंड से कट नहीं कर सकता है, डैमेज नहीं पहुंचा सकता है. ओके, एक तो ये मेन चीज हुई मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगाने की कैपिंग प्रोसेस है उसकी. दूसरी जो है इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड रिबोसोम बाइंडिंग साइट. ये ट्रांसलेशन जब हम पढ़ेंगे तब आएगा. राइबोसोम है वो ट्रांसलेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो हमारा जो आरएनए बना है वो कहाँ पर जाएगा, राइबोसोम में जाएगा फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस. और स्पेसिफिकली हमारा आरएनए एमआरएनए जब बनेगा तो राइबोसोम के साथ वो कौन से एंड पे एंड से जुड़ता है, दैट इज एट द 5 प्राइम एंड वेयर मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड. अंडरस्टूड? तो ये वाला जो मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है जब साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास जाएगा फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस, तो वो राइबोसोम को क्या करता है कि उसको रिकॉग्नाइज करता है और वहां जाके वो जॉइंट हो जाता है. वहां जाकर के वो वी कैन से एक अरेंज में एक अरेंज हो जाता है फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस. सो दिस इज एन वी कैन से यूजफुलनेस ऑफ एन कैपिंग प्रोसेस. दूसरी जो प्रोसेस है विच इज नोन एज एन टेलिंग प्रोसेस. ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज नोन एज एन टेलिंग प्रोसेस. अब यहां पर देखिए, ये जो कैपिंग प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो गई, यानी कि 5 प्राइम एंड था वहां पर क्या एड हो गया, मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो गया, कैपिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई. अब यहाँ पर 3 प्राइम एंड जो है हमारा आरएनए व्हिच इज नोन एज एन टेल. अंडरस्टूड? व्हिच इज नोन एज एन टेल. ऑब्वियसली ये वाला हेड हुआ तो ये वाला टेल होगा. तो यहाँ पर क्या होगा, टेलिंग प्रोसेस होगी. टेलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि
इतने सारे एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट है वो जाकर के बाइंड हो जाते हैं। बहुत सारे एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट है, उसकी लंबी चेन है, एट द एंड ऑफ एन आरएनए यानी कि 3' एंड जो होता है वहां पर जॉइन हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एन टेलिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर कितने एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट है वो ज्वाइंट हो सकते हैं, 200 से 300 एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट है वो ज्वाइंट हो गए। और उसका भी सेम काम है कि वो क्या करवाएगा, इट विल प्रोटेक्ट द आरएनए फ्रॉम द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि 3' एंड से आरएनए को कट नहीं होने देता, 3' एंड से आरएनए को बचा के रखता है आरएनएज एंजाइम से, न्यूक्लियस एंजाइम है ना, उससे वो बचा के रखता है। So this process is known as in tailing process. Tailing किससे होती है? Adenosine triphosphate से होती है। बहुत सारे adenosine triphosphate आकर के joint हो जाते हैं at the 3' end of an RNA. Understood? और जो process होती है, it is known as in tailing process. Okay. Now next one, that is in splicing process. स्प्लाइसिंग प्रोसेस, ओके। अब ये स्प्लाइसिंग प्रोसेस क्या होती है, जैसे मैंने बोला था ना कि हमारा जो आरएनए है यहाँ पर 5' एंड पर क्या लग गया, हमारा मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लग गया, यानी कि कैपिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, यहाँ पर पूरी एडिनाइलेशन हो गया, पॉली ए टेल, इसको पॉली ए टेल भी बोल सकते हैं, यहाँ पर पॉली ए टेल लग गई, यानी कि दो प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब हमारा जो आरएनए है उसमें क्या है, एक्सोन इंट्रॉन्स जैसे है, ओके। अब स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में क्या होगा, दैट इज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम द एचएन आरएनए। अभी ये आरएनए कौन सा है, एचएन आरएनए। सो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम द एचएन आरएनए, इंट्रॉन्स को यहाँ पर रिमूव कर देगा। एचएन आरएनए में क्या होगा कि ये जो इंट्रॉन्स क्या है आरएनए में है वहां से कट होगा हमारा आरएनए और इंट्रॉन्स है वो निकल जाएंगे। जनरली किस तरह से इंट्रॉन्स वो निकलते हैं, इस तरह से ऐसे लूप बना देते हैं, यहाँ पर क्या है एक्सोन्स है, ये वाले क्या है इंट्रॉन्स, ओके। सो जनरली ये जो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स की प्रोसेस है वो करवाता कौन है, दैट इज एस एन पी, इसको स्नप्स भी बोल सकते हैं, स्नप भी होता क्या है एसएनआरएनपी, ओके, सिंगल न्यूक्लिएटेड आरएनए प्रोटीन। ये जब हम आगे पढ़ेंगे आरएनए के टाइप्स पढ़ेंगे इसमें ये भी आएगा एसएनआरएनपी। सो दिस एसएनआरएनपी इज, अभी आप इतना ही याद रखिए कि एसएनआरएनपी है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम दिस एचएनआरएनए, ओके। तो यहां तक की जो प्रोसेस होगी विच इज नोन एज एन स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, जो इंट्रॉन से उसको रिमूव करवा देता है, यहां से कट करवा देता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है विच इज नोन एज लाइगेशन प्रोसेस। हमें पता है कि लाइगेशन वर्ड जहां पर भी आता है, ये जो लाइगेशन वर्ड जहां पर भी आता है जिसका मतलब क्या होता है कि जॉइनिंग, लाइगेशन का मतलब क्या होगा, जॉइनिंग। तो यहाँ पर देखिए इंट्रॉन सभी निकल गए हैं, एक्सोन है वो अलग अलग है, तो लाइगेशन में क्या होगा कि सभी जो एक्सोन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ओके। तो ये सभी एक्सोन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे बाय रिमूवल ऑफ एन इंट्रॉन्स। तो ये जो जॉइंट होने की प्रोसेस है विच इज नोन एज ए लाइगेशन प्रोसेस, और वे करवाता कौन है, दैट इज एन लाइगेज एंजाइम। अंडरस्टूड? सो विद द हेल्प ऑफ एन लाइगेज एंजाइम
Whatever the exons are remaining after this splicing process are joined with each other and form a continue RNA molecules. A continue chain बता देगा RNA की. Understood? And now this is known as an mRNA. क्योंकि ये जो है वो कैसा हो गया? Active form of an RNA हो गया. सभी जो process थी वो over हो गई. जो post transcription की जो process थी वो खत्म हो गई. And after the post-transcriptional process, the hnRNA is converted into the mRNA. The non-active या तो inactive RNA is converted into an active RNA. So यहाँ पर ये जो RNA बना है, which is known as an mRNA, which is active in nature. अब हमारा RNA active बन गया है, और वो क्या जाएगा? Next process में जाएगा, which is known as an translation process. Okay? So now this mRNA is ready to go to the cytoplasm from the nucleus. यहाँ पर ये सारी प्रोसेस खत्म करके cytoplasm में ट्रांसफर हो जाएगा. Cytoplasm में भी स्पेसिफिकली वो कहाँ जाएगा? जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है. और हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है. Understood? So राइबोसोम के पास हमारा mRNA जाएगा और क्या करवा देगा? प्रोटीन की सिंथेसिस प्रोसेस है, ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करवाएगा. ओके, ये वाला जो एक्सॉन इंट्रॉन्स ऐसा जो जीन होता है कोई भी, उसको स्प्लिट जीन भी बोल सकते हैं. अंडरस्टूड? कभी भी आपको ये वर्ड आए स्प्लिट जीन का मतलब होता है कि इंटरप्टेड जीन. इंटरप्टेड यानी कि एक्सॉन इंट्रॉन इस तरह से अगर कोई जीन का अरेंजमेंट है, देन इट इज नोन एज एन स्प्लिट जीन और इंटरप्टेड सीक्वेंस. अंडरस्टूड? तो ये जो स्प्लिट जीन ऐसा जो वर्ड है वो याद रखना. जनरली ऐसा क्या माना जाता है कि जो आरएनए है जिसमें कि स्प्लिट जीन ऐसे अवेलेबल है एक्सॉन इंट्रॉन करके, और आरएनए में क्या होता है कि स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म भी होती है, यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी होता है. पहले ऐसा माना जाता, जब जीनेटिक मटीरियल क्या है वो पता नहीं था, तब पहले ऐसा माना जाता था कि आरएनए है विच इज एक्ट एज एन जीनेटिक मटेरियल. क्योंकि सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड आया था फ्रॉम द आरएनए एंड डीएनए, दैट इज एन आरएनए. पहले कौन सा न्यूक्लिक एसिड आया? दैट इज एन आरएनए. उसके बाद उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ और क्या बना? डीएनए बना. अंडरस्टूड? सो पहले एंशियंट टाइम में पहले कौन सा आया? दैट इज एन आरएनए. अंडरस्टूड? क्यों आरएनए आया? क्योंकि आरएनए में क्या होता है? राइबोसोम शुगर होती है, और डीएनए में कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है. आरएनए में कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर, जिसके पास सेकंड पोजीशन पर क्या होता है? ओएच ग्रुप होता है. आफ्टर रिमूवल ऑफ एन ऑक्सीजन, जब उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, देन इट इज कन्वर्टेड इंटू डीऑक्सी राइबोज विच इज एन मॉडिफाइड शुगर. वो शुगर कौन सी है? मॉडिफाइड है. तो नेचुरल शुगर कौन सी है? राइबोस. तो नेचुरल जो पहले हमारा न्यूक्लिक एसिड आया, दैट इज एन आरएनए, और उसमें से बाद में क्या बना? मॉडिफिकेशन हो करके दैट इज एन डीएनए. अंडरस्टूड? सो आपकी जो बुक है उसमें एक सेंटेंस दिया है, दैट इज द स्प्लिट जीन रिप्रेजेंट द प्रोबेबली एन एंशियंट फीचर ऑफ एन जीनोम विच इज नोन एज एन रेमिनिसेंट ऑफ एन एंटीक्विटी. रेमिनिसेंट ऑफ एन एंटीक्विटी का मतलब होता है कि हमें क्या याद दिलाता है कि पहले कौन सा न्यूक्लिक एसिड आया था? दैट इज एन आरएनए. ओके, सो दिस इज अबाउट एन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट प्रोसेस. तो सेम ही होती है, इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, सेम प्रोसेस होगी. लेकिन जो अलग क्या करता है, दैट इज इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नीडेड इन केस ऑफ एन यूकेरियोट्स, वेर इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इज नॉट नीडेड इन केस ऑफ एन प्रोकेरियोट्स. जो भी आरएनए बना है विच इज फुल्ली एक्टिव विच डज नॉट हैव इज एन स्प्लिट जीन, उसमें कोई इंट्रॉन्स एक्सॉन ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता है, जितने भी जीन्स होंगे वो कैसे होंगे? एक्टिव ही होंगे, कोडेड ही होंगे. उसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं होती है प्रोकेरियोट्स में. यूकेरियोट्स में नॉन कोडिंग जीन होते हैं इंट्रॉन्स, इसलिए उसको मॉडिफाई करने की जरूरत होती है. अंडरस्टूड? ओके, और एक मैकेनिज्म होती है विच इज नोन एज एन इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ एन आरएनए. ये सारी जो प्रोसेस हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकेरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स, तो ऑब्वियसली ये सारी प्रोसेस हमने जो अभी पढ़ी, विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड दिस सेल, सेल के अंदर, बॉडी के अंदर ये प्रोसेस हो रही है.
अंडरस्टूड। तो कई साइंटिस्ट ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ये जो प्रोसेस है उसको बाहर भी किया था, अंडरस्टूड, बाहर यानी कि लेबोरेटरी में, बॉडी के बाहर अगर कोई भी केमिकल जो भी मैकेनिज्म करवाता है विच इज नोन एज एन इन विट्रो मैकेनिज्म, अंदर होती है विच इज नोन एज एन इन वीवो मैकेनिज्म। तो ये सारी जो हमें प्रोसेस पड़ी दैट इज एन इन वीवो प्रोसेस। और कई साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट का नाम है दैट इज एन ओकाओ, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओकाओ, ये साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था कि आरएनए को इन विट्रो सिंथेसाइज करवाया, आरएनए को इन विट्रो सिंथेसिस करवाया था, किसने, ओकाओ साइंटिस्ट है उन्होंने, अंडरस्टूड। दूसरे साइंटिस्ट है कोर्नबर्ग, उन्होंने भी क्या किया था कि इन विट्रो सिंथेसिस किया था, लेकिन किसका, डीएनए, इन विट्रो सिंथेसिस यानी कि जैसी प्रोसेस हमारे अंदर होती है, जो भी एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो सारे एंजाइम फैक्टर सभी उन्होंने कहाँ दिए थे, बॉडी के बाहर ही अवेलेबल करवाया था, डीएनए लिया था, टेम्पलेट डीएनए लिया था और उसमें से क्या बनाया, आरएनए बनाया था, अंडरस्टूड। और जो कॉर्नबर्ग है उन्होंने रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो इन विट्रो करवाई थी, जैसे अंदर होती है उसी तरह से बाहर करवाई थी। ओके, सो दीज आर द टू साइंटिस्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ आरएनए एज वेल एज DNA. Okay, so this is an end of a transcription process. In next lecture we will study about in translation as well as genetic code. Okay, understood? Thank you.